आपको यहां बता दें कि अमित शाह और जाट नेताओं की मुलाकात बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर हुई। मीटिंग के बाद प्रवेश वर्मा ने कहा कि जाट लीडर्स ने दिल खोलकर अपनी शिकायतें रखी और अमित शाह ने तसल्ली से जाटों की बात सुनी। जाट समाज ने बीजेपी को समर्थन देने का भरोसा भी दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा, जिनके घर पर बैठक चली जाटों को लेकर। सर, बैठक के बाद फील गुड हो रहा है, जाटों को जो बात समझाना था वो आप लोग समझाने में सफल रहे। लेकिन एक होता है कि दिल खोलकर सभी ने अपनी शिकायतें रखी हैं और अलग अलग क्षेत्र के जो हमारे प्रमुख लोग हैं उन्होंने अपनी बात रखी और एक अपना पंचायत जैसे चलती है वैसे बैठक हुई। गृह मंत्री जी ने बहुत ही तसल्ली से सबको ध्यान से सुना और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि 7 साल हमारी सरकार ने इस समाज के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए क्या क्या काम किए, और सभी ने उसके बाद में ये विश्वास दिया और समर्थन दिया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से वो इसके साथ खड़े रहेंगे। जयंत चौधरी को लेकर ये कहा गया कि वो गलत घर में चले गए हैं, आगे उनके लिए रास्ते खुले रहेंगे। अब ये तो हम सभी मानते हैं, जो समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया वो ना तो उनकी सेहत के लिए ठीक है, ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सेहत के लिए ठीक है, ना हमारे समाज की सेहत के लिए ठीक है। तो जो उन्होंने गलती करी है वो उनको भी आएगी समझ में और हमारे रास्ते तो उनके लिए खुले हैं ही और अपने पहले भी खुले थे। जयंत चौधरी की पॉलिटिक्स को आप लोग कैसे देखते हैं सर? देखिए, अभी जो ये हमारा समाज है उसको जो अपना दिशा है वो अपना योगी की सरकार में ही अपना दिखाई दे रही है और हमने वहाँ पे मुजफ्फर दंगे जो हुए थे उसमें काफ़ी कुछ हमने भुगता है। कोई भी नहीं चाहेगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने। जो लोग आए थे वो इस बात को समझ रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मसला रहा है। बिल्कुल, सबके बच्चों के ऊपर में केस दर्ज हुए थे, सबके बच्चे जेल गए थे। अगर वो सारे केस को, सारे मुकदमे खत्म करने का काम वो हमारी सरकार ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।